हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा ये फर्स्ट विज़िट है प्रगति मैदान। और मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उसको एक्सप्लोर करूँ, और कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और आज तो वैसे भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पीएम मोदी जी आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। और ये जो हमारा ट्रिप है, ये एक स्कूल ट्रिप है जिसमें हम बच्चों के साथ जा रहे हैं। और देखिए, मैंने सारी चीज़ें जो कैप्चर की है वो स्कूल बस से ही कैप्चर की है। मैं हमेशा विंडो सीट प्रेफर करती हूँ ताकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर कर लूँ। और दिल्ली तो वैसे भी हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। जब जब मैं दिल्ली जाती हूँ, मैं और खुद से ही इतना खुश हो जाती हूँ। सो, हम जो जा रहे हैं प्रगति मैदान, उसके पीछे ये पर्पज़ है कि वहाँ पे एक तो एग्जीबिशन लगी है, एंड NEP जो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी क्या है 3rd एनिवर्सरी है, जिसका इनोग्रेशन किया जा रहा है PM मोदी द्वारा। वो जो इनोग्रेशन किया जा रहा है वो है इंडिया मंडपम का। एंड उसमें क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मतलब एंटरप्रेनर्स के लिए, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। और ये देखिए, हमारी गाड़ी को रोक लिया गया है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि PM मोदी ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे आने से पहले। और इसका मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे देखना था उन्हें, ये सुप्रीम कोर्ट। और ये देखिए, हमें बहुत दूर से ही हमारी बस को रोक दिया गया था और हमें पहले ही उतार दिया गया था। और यहाँ पे इतना क्राउड है, फर्स्ट तो मोदी जी आ रहे हैं उसकी वजह से इतना क्राउडेड है। और यहाँ देखिए, मोदी जी अंदर हैं और हम बाहर हैं। हमें मोदी जी देखने थे और हम उन्हें देख ही नहीं पाए, और जब हम अंदर गए तो मोदी जी बाहर, यानी वो चले गए। कोई नहीं, इट्स ओके, होता रहता है, अब नहीं मिलना था तो नहीं। और ये देखिए, हम लोग एंट्रेंस पे हैं प्रगति मैदान के, और हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। और ये यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है स्टूडेंट्स का, और ये हमने एंट्री की प्रगति मैदान में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे प्रगति मैदान ज़रूर जाना था। मुझे नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था, एंड इट वाज रियली गुड। ये देखिए, सच में बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है। पता है मैं क्या सोचती थी हमेशा, कि प्रगति मैदान जो एक मैदान के जैसा होता है, एक पार्क के जैसा है, बट यहाँ के तो सब कुछ चेंज लगा। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जगह जगह पे ये टेंट्स लगे हुए थे। एक्चुअली ना, यहाँ पे डेकोरेशंस ये सब हो रखा था क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, तो क्लीन और ये सब चीज़ें अच्छी थी। ये हमने अंदर गए हम लोग, एंड अंदर तो AC चल रहा था तो मज़े आ रहे थे। गर्मी तो वैसे भी हमें नहीं लग रही थी क्योंकि हमें खुशी इतनी थी, और ऊपर से AC चल रहा था तो मज़े आ रहे थे। और ये क्राउड था उस दिन ज़्यादा, ओबियसली PM मोदी जी आए हैं तो क्राउडेड तो था, लेकिन अंदर भी अच्छा था, ये काफ़ी अमेजिंग। और ये देखिए कितना सुंदर पार्क जैसा लग रहा था, मुझे तो मन कर रहा था कि मैं इसके अंदर चले जाऊँ, अच्छा लग रहा था। हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैप्पी थे क्योंकि ओबियसली एक नया प्लेस उनको एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा था। ये पूरा एरिया था बाहर का, और ये फाउंटेन छोटे छोटे, यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, और बहुत सारे स्कूल से भी लोग आए हुए थे। ये देखिए, मैं अपने पोज मारती हुई जो कि बहुत गंदी लग रही हूँ, और ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये इतना बड़ा शंख रखा हुआ था, वहाँ पे सामने दिखा था एजुकेशन। एक्चुअली क्राउड इतना था कि हम लोग एजुकेशन को पूरा फोटो क्लिक ही नहीं कर पाए, सिर्फ OM ही आ रहा था। और मौसम भी बहुत अच्छा था, फेवरेबल था, तो हम लोग आराम से इंजॉय कर रहे थे। जगह जगह पे हमें फ़ोटोज़ भी लेने थे। और ये देखिए, दूसरे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे वो भी यहाँ पे आ रहे थे। एक्चुअली एग्जीबिशन इतना बड़ा था तो सारे स्कूल्स के बच्चे आए यहाँ। और ये देखो, हम चले अंदर फाइनल एग्जीबिशन की साइड। ये एक टेंट जैसा लगा हुआ था जिसके अंदर जाके एक एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस से हमें अंदर एग्जीबिशन में जाना था। और ये देखिए, यहाँ की डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन थी, एंड दीज फ्लावर्स आर रियली रियल। एक्चुअली मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि ये रियल भी हैं। एक्चुअली मैरी गोल्ड तो रियल लग रहे थे, बट ये देखिए कितना सुंदर है, ये मैंने कैप्चर किया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ की जो फ्लावर डेकोरेशन थी, ओके, ये जो एंट्रेंस के ऊपर फ्लावर्स है ना, ये बिल्कुल रियल थे, एंड इसमें लिलीज भी थी। और ये देखिए, दिस इज़ द एग्जीबिशन। इतना बड़ा हॉल भी नहीं कह सकते इसको, तो ग्राउंड ही बोल सकते हैं, मैदान, जैसे कि प्रगति मैदान का नाम है, इसको मैदान ही हम लोग बोलेंगे। और क्राउडेड, सो मच क्राउड इन दिस हॉल, इन दिस एरिया। एंड हमारे स्टूडेंट्स तो पहले तो देखते ही रह गए फिर मैंने ऊपर का मोमेंट कैप्चर किया। आई थिंक AC था ये पूरा का पूरा, और ऊपर जो AC इस टाइप से इन्होंने फिट किए हुए थे कि वो इतना गैदरिंग होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि मतलब AC कम इफेक्ट कर रहा है। अंदर बहुत अच्छा टेम्परेचर था, बहुत अच्छा हो रहा था। और ये देखिए,
यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, और जब हम उनकी स्टॉल पे जाते थे तो वो उस प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते थे सभी को। और ये देखिए प्रोजेक्ट्स पर वेरी गुड, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ थे स्टूडेंट्स के, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और टीचर्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। ये देखें इन्होंने एक पेपर दिया हमें कि आप इस पर कोई भी ड्राइंग कीजिए और आपको कुछ प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। तो मैं भी एक पेपर लेके आ गई, मैंने इसमें ड्राइंग की। इट इज़ जस्ट अ कार्टून टाइप ड्राइंग, इतनी गंदी ड्राइंग मैंने अपनी पहले कभी नहीं देखी। और ये एक स्टूडेंट है हमारी, ये भी लेके आए ड्राइंग बनाने के लिए, और हम सिर्फ उस प्राइज़ के लिए वेरी एक्साइटेड थे। एंड ये देखिए कुछ भी बना रहे हैं हम लोग, ये मैं हूँ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक लड़की को। एक्चुअली द पेंटिंग इज़ अ गर्ल इज़ डांसिंग। कुछ भी बना सकते हैं आप, आपको एक छोटी सी कुछ तो मिलेगा प्राइस, तो ठीक था, मतलब एक चाइल्डहुड मेमोरी क्रिएट हो रही थी यहाँ पे मुझे। और ये देखिए हमने क्या जीता, एक ट्रॉफी। और ये टॉफी नहीं थी एक्चुअली, बिलोंग टू एनी केमिकल और टोटली केमिकल फ्री रहती है। और सेकंड थिंग, जो चटनीज मार्केट में होती है मशीन से बनती है, और बेसिकली जो ट्रेडिशनल चटनी होती थी वो हमारा असली भट्टे वगैरह पे। एंड इसका प्राइस भी अच्छा था। ये देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, और ये हैंडमेड कुछ चीज़ें थी, हैंडमेड क्राफ्ट्स, और अच्छे लग रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जो प्राइस थे वो ओवर प्राइस थे, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि रिजनेबल थी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कहाँ गई ये लोग।